तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी एक क्लास है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लासेस में हमने पिवट पे आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था आपको कि पिवट टेबल की समराइजेशन कैसी होती है, और जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया था, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया था। अगर कोई दिक्कत है उसमें से तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हेलो, जी सर। दिक्कत है आपको सर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पिवट टेबल की ओर बढ़ते हैं, और पिवट टेबल में हम समराइजेशन की तरफ चलते हैं, और हम बात करेंगे सबसे पहले सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, ग्रुपिंग, इन सबों के बारे में। तो मैं एक छोटा सा, मान लीजिए कि एक ए बनाता हूँ, डेटा बनाता हूँ, जैसे कि मैंने सेल्स पर्सन एंड उसकी क्वांटिटी हमने यहाँ पे रख दी। अब मुझे डेटा को शॉर्ट करना है, ऐसे बाय डिफॉल्ट तो शॉर्ट होता है, फिर भी अगर किसी अलग एंगल पे शॉर्ट करना है आपको, तो राइट क्लिक करके शॉर्ट ए टू जेड, जेड टू ए, मतलब कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ भी सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्ट ए टू जेड एंड जेड टू ए, मतलब जिस पे कर्सर रखेगा आपका शॉर्ट होगा। अब अगर बात करते हैं सब हेडिंग की, जैसे कि मान लीजिए सेल्स पर्सन के नीचे हमने सेल्स मैनेजर्स रख दिए हुए हैं, इसके ऊपर सिटी मैं इसके ऊपर रख देता हूं, तो इस तरह से हो गया। अगर मैं मान लीजिए कि इस पे राइट क्लिक करके शॉर्ट करता हूं, तो शॉर्ट होगा। अब देखिए शॉर्ट में दिल्ली पुणे का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, शॉर्ट इसके अंदर हो रहा है एवरी, कि पुणे के जितने भी नेम्स है उसके अंदर शॉर्ट, दिल्ली के नेम के अंदर शॉर्ट, तो इस शॉर्ट इस तरह से होगा। लेकिन मुझे अगर सिटी बाय शॉर्ट करना है, तो मैं सिटी के सामने वाले टोटल पर राइट क्लिक करके शॉर्ट स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट करूंगा, तो फिर यहाँ सिटी वाइज हमारा शॉर्ट होगा। तो जैसे कि आपके पास जब सब हेडिंग मैंने एक से ज्यादा हेडिंग्स होते हैं, तो उसमें आपका इस तरह की चीजें होता है, इसका आप ध्यान रखिएगा जब आप शॉर्ट कीजिएगा। तो शॉर्ट समझ में आ गया सर आपको? और शॉर्ट यही नहीं, शॉर्ट आप ये भी कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कॉलम वाइज है, तो डेटा आप कॉलम वाइज भी शॉर्ट कर सकते हो, फिर शॉर्ट ए टू जेड, तो आपका डेटा कॉलम वाइज भी शॉर्ट होगा। तो शॉर्ट आप हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल एंड वर्टिकल टू लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू डाउन दोनों कर सकते हैं आप। तो जहां पे कर्सर रखेंगे, जिसको शॉर्ट करेंगे, उसी हिसाब से शॉर्ट होगा। अब हम बात करते हैं फिल्टर की। हम फिल्टर की बात करते हैं, जैसे कि अगर आप फिल्टर, यहाँ पे कोई भी डेटा मैं रखता हूँ, सबके मुझे फिल्टर करना है, तो इसमें दो चीजें होती है। अगर मैं मान लीजिए इस तरह से रखता हूँ, यहाँ पे सिटी लेवल फिल्टर जो काम है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और वैल्यू सिटी जाता हूँ, यहाँ पे जिसको क्लिक करूंगा, पुणे को क्लिक किया, तो मेरा पुणे शॉर्ट होगा। अगर मैं पुणे, दिल्ली, रायपुर इस तरह को सिलेक्ट करके शॉर्ट करता हूँ, तो शॉर्ट होगा, ये होगा सिलेक्ट होगा, जिसको सिलेक्ट करूंगा ऐसे नॉर्मल फिल्टर की तरह आपका शॉर्ट होगा। लेकिन इसमें दो तरह का फिल्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा, पहला आपका लेवल फिल्टर, दूसरा आपका वैल्यू फिल्टर। अगर आप लेवल फिल्टर करते हैं, तो आपका ए इस कॉलम का फिल्टर होता है। अगर आप वैल्यू फिल्टर करते हैं, तो फिर आपका इस नंबर के अकॉर्डिंग फिल्टर होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं लेवल फिल्टर की, तो लेवल फिल्टर में मैंने बोल दिया बिगिन विथ डी, जो सिटी डी से स्टार्ट है वो फिल्टर हो जाए, तो डी वाले सारे फिल्टर होगा। मैं कंट्रोल चेक करता हूं। उसी तरह से अगर मैंने लेवल फिल्टर की बात की, तो लेवल फिल्टर में इसमें वैल्यू फिल्टर की बात की, तो वैल्यू फिल्टर में टॉप 10 ले लिया और टॉप 10 को क्लिक किया, तो देखिए आपका टॉप 10 हाइलाइटेड हो जाएगा। तो फिल्टर लगाते समय आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कैसे फिल्टर लगाते हैं। बाकी जो नॉर्मल फिल्टर है, इसके देख लीजिए आप, इक्वल डज नॉट इक्वल बिगिन विथ,
does not begin with, and with, does not end with, contain, does not contain, greater than, equal to, less than, less than equal to, between and not between, ऐसे condition का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें कोई condition में आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ missing है? Hello? ओके चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं लेवल फिल्टर के ऊपर। तो लेवल वैल्यू फिल्टर के ऊपर तो इक्वल डज नॉट इक्वल जो हमने नॉर्मली फिल्टर में इस्तेमाल करते हैं वही यहाँ पे इसको यूज करके फिल्टर कर सकते हैं। ये तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल फिल्टर हो गया। फिल्टर की बात करें जैसे कि हमने कैटेगरी को इसके ऊपर रख दिया है तो इसमें मुझे कुछ कैटेगरी नहीं दिख रहा था, यहाँ पे आपको कॉलम फिल्टर दिख रहा है। तो कॉलम फिल्टर भी आपके दो फिल्टर है, वैल्यू फिल्टर एंड लेवल फिल्टर। लेवल फिल्टर में मान लीजिए कि यहाँ भी इसका यूज करके आप कोई नहीं ले सकते हो तो लेवल फिल्टर आपके पास उस कॉलम वो फील्ड आपको नहीं दिखेगा या फिर आप उस पर कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। उसी तरह से वैल्यू फिल्टर में भी आप यहाँ कंडीशन अप्लाई कर सकते हो कि मुझे टॉप टू चाहिए। अब टॉप टू चाहिए ये आपका टॉप टू दिखाएगा कॉलम। तो कॉलम बाय जो कैलकुलेट करेगा और इस पे अगर करते हैं रो में करते हैं तो रो बाय कैलकुलेट करेगा। तो ये आपका कॉलम एंड रो का फिल्टर कहलाता है। अब दूसरा फिल्टर आता है वो आता है हमारे पास पेज फिल्टर। पेज फिल्टर मतलब कि मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मैं जोन को रख देता हूं यहाँ फिल्टर में। अगर मैं यहाँ पे जोन सेंट्रल को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सिर्फ सेंट्रल का डेटा है पूरा। तो ये पूरा रिपोर्ट जो है वो कॉलम पे भी और रो पे भी दोनों पे इफेक्ट करता है। और इसमें एक से ज्यादा भी फिल्ट्रेशन आप यहाँ लगा सकते हैं कि जोन है क्वार्टर है तो मुझे सेंट्रल जोन के क्वार्टर वन में चाहिए तो सेंट्रल जोन के क्वार्टर वन का डेटा यहाँ पे। तो फिल्टर समझ में आ गया आप लोगों को? कौन जी रक्षित जी एंड विक्रमेशवाल जी सुजीत सर एक क्वेश्चन था सर अभी मुझे रैंक वाइज करना है। ओके मुझे सेकेंड एंड फिफ्थ वाला रैंक को हाईलाइट करना है तो कैसे कर सकते हैं सर? इसलिए तो कंडीशन हाईलाइट फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग इस्तेमाल होगा ना सर। ओके मतलब मुझे कंटिन्यू नहीं चाहिए सर, एक सेकेंड वाला और फिफ्थ वाला हाईलाइट होना चाहिए। कैसे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो हाईलाइट करना चाहते हैं वो उसके पोजीशन से होगा या फिर उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा? सर वैल्यू के अकॉर्डिंग सर, जैसे मतलब पोजीशन ही वो पहला रैंक होगा 1-6 रैंक होगा तो मुझे उसमें हाईलाइट करना है सेकंड और फोर्थ रैंक को। तो कैसे करेंगे सर उसको? एक रैंक तो हुआ कि भाई यहाँ पे छठा है, सातवां है, आठवां है, इसका पोजीशन हुआ समझे। दूसरा रैंक हुआ कि 16 हो गया, 69 हायर, एक ए हो गया। ओके जैसे कि अगर आप इसको ले समझ पा दे दी तो मैं इसको राइट क्लिक करके शॉर्ट स्मॉलर लार्जेस्ट कर देते हैं। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया सबसे लोएस्ट, ये हो गया सबसे हाईएस्ट। अगर रैंक हम हाईएस्ट की तरफ चलते हैं तो ये पहला नंबर आ गया, दूसरा नंबर आ गया, तीसरा नंबर पे आ जाएगा, चौथा पे आ जाएगा, समझ गए। और दूसरा अगर लोअर टू हायर चलते हैं तो ये पहला हो गया, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो ये हो गया नंबर्स के हिसाब से पोजीशन रैंक। दूसरा होता है कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता इसकी वैल्यू क्या है, इसका पोजीशन क्या है। पहले लिखा हुआ है इसका मतलब कि इसका रैंक पहला है, दूसरे पे लिखा हुआ है दूसरा है। तो आप किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट? सर अभी आपने 1-2-3 लिखा था ना सर, अभी आप 1-2-3 लिखा था सी कॉलम में अपसेट से ऊपर। ओके तो मुझे एक को भी हाईलाइट करना है और तीन को हाईलाइट करना है, को हाईलाइट नहीं करना है मुझे फर्स्ट और तीन। उसके लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास एक रो का फॉर्मूला होता है जो कि जिस सेल में लगाते हो उस सेल का रो नंबर दिखता है, उसमें से -4 में कर दिया तो पहले आपको लाना पड़ेगा सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर आ गया तो आप क्या चाहते हो,
एक को हाईलाइट करना है, हर तीसरा हाईलाइट करना है ना, और तीन को हाईलाइट करना है। हाँ सर, नहीं एक को हाईलाइट करना और तीन को हाईलाइट करना, तो इवन हो गया, ऑड हो गया ना। नहीं तो टू एंड फोर को हाईलाइट कीजिए सर, मुझे रैंक वाइज ये सेकंड और फोर्थ को हाईलाइट करना है सर। हाँ तो वही वाला, सेकेंड और फोर्थ हाईलाइट करना चाहते हैं आप, तो ये हो गया ई, और ई हो जाएगा आपका ई सर जेवन, ई जेवन लगेगा इसमें, तो ई जेवन लगा ना सर, तो ए आपका हो गया था, जो ट्रू है उसको हाईलाइट करेगा। तो सेम चीज जो फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया हुआ है, ए फॉर्मूला हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगा देंगे। आई थिंक ये चीज तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बताई भी थी आपको, न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला में। सर एक स्मॉल है सर, और कुछ नहीं, मुझे अभी फर्स्ट वन से फाइव तक आपने रैंक दिया था, तो मुझे वन और तीन को ही हाईलाइट करना है सर, मतलब कोई कलरिंग वगैरह करना है, बोल्ड करना है, मतलब आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, ये तो कर रहा है ना, टू एंड फोर का हाईलाइट कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जहां ट्रू है वहां हाईलाइट होगा। तो जो चीज हमने यहां लगाया वही चीज हम न्यू रूल्स में यूज फॉर्मूला में जाके लगाएंगे, कंडीशन वर्डिंग के। इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूं, अगर दूसरा तीसरा दूसरा चौथा करना है तो इज इवन लगेगा, अगर पहला और तीसरा करना है तो इज और लगेगा। लगी और आपसे रिक्वेस्ट है कि आउट ऑफ दिस टॉपिक का क्वेश्चन आप टॉपिक के एंड में पूछे सर। अभी देखिए पीपल टेबल की टॉपिक चल रही थी, हम सब लोगों का माइंड डाइवर्ट हो गया ना सर, हाईलाइट। ओके सॉरी सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन अलग है, मैं आपसे कॉल में बात कर लूंगा सर। एक क्वेश्चन है आपका ना, कि आपका दूसरा और चौथा लाइट हुआ, फिर देखिए छठा और आठवां लाइट हो रहा है, ये क्वेश्चन है ना आपका। अगर आप अगर यही क्वेश्चन था ना आपका हाईलाइट करने का, अगर आप इसमें अगर सर मुझे लगा दीजिए इज और लग जाएगा। हेलो, तो इज और लगेगा, इज और में देखिए यहाँ पे देखिए ना कि पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा ट्रू है, तो पहला और दूसरा फॉल्स, पहला और तीसरा हाईलाइट हो रहा है, फिर चौथा नहीं होगा, पांचवा होगा। अगर आपके पास ए है, मतलब और दूसरा चीज करना चाहते, नहीं मैं पहला करना चाहता हूँ, पांचवा करना चाहता हूं, हर पांचवा सेल को हाईलाइट करना चाहता हूं, तो फिर उसके लिए हम यहां लगाएंगे मोड का फॉर्मूला, मोड और इसमें देंगे रो, और रो में माइनस फोर देंगे ताकि सीक्वेंस नंबर आए, और कॉमा फाइव का मल्टीप्लिकेशन देंगे, तो हर पांचवा वैल्यू पे वो जीरो दे देगा, और जो जीरो है वो हाईलाइट होगा। तो अगर आप एक छोड़ के हाईलाइट करना चाहते हैं तो इवन और इज और लगा सकते हैं, एक से ज्यादा छोड़ना है आपको कि मैं हर तीसरा, हर पांचवा, हर दसवां, हर आठवां, दस, हर सौवां, हर पचासवां करना चाहते हैं, तो उस केस में मोड लगाते हैं। सर पीछे से शोर आ रहा है थोड़ा सा, मेरा माइक से आ रहा है इसको, पता नहीं पीछे से बफरिंग टाइप की कुछ आवाज। अच्छा ठीक, मैं सही कर रहा था। क्लियर सर? या सो ओके, थैंक्स सर, क्लियर हो गया, समझ गए, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, आगे बढ़े पिवट में। हाँ सर, हाँ हाँ ओके, गॉट इट सर। रैंक की बात करें तो रैंक कई तरह के होते हैं, ठीक है सर, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, पोजीशंस, वैल्यू, बहुत सारे से रैंकिंग निकाली जाती है ना। ओके, तो हम फिल्टर समझा रहे थे, फिल्टर समझ में आ गया आपको, फिल्टर जोन और क्यू आपने कर, क्या बोल रहे सर, ये रिपीट कर देना, जोन जो ऊपर रखा है हमने,
मैंने बोला पेज फिल्टर, इसको बोलते हैं पेज फिल्टर, समझ गए? इसको हम बोलते हैं पेज फिल्टर। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हम कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, मान लीजिए कोई भी रिपोर्ट हमने बनाया यहाँ पे, हम चाहते हैं कि यहाँ पे रिपोर्ट बना दिया, कैटेगरी रख दिया, यहाँ रख दिया, यस मैनेजर रख दिया। तो यहाँ पे अभी देख लिया आपने कि रिपोर्ट हमारा बना हुआ है। अब ये रिपोर्ट ओवरऑल का है, मैं चाहता हूँ कि इसमें क्वार्टर वन का ही सिर्फ दिखे, पूरा रिपोर्ट हमारी क्वार्टर वन की दिखनी चाहिए। तो हम पेज फिल्टर में जाके यहाँ पे क्वार्टर वन को सिलेक्ट करते हैं, क्वार्टर वन आ गया, तो पूरी रिपोर्ट हमारी क्वार्टर वन के अकॉर्डिंग आ जाता है, समझ गए? जी सर। अब बात करते हैं फिल्टर के बाद मूव का। मान लीजिए कि मैं एसएमई को सबसे ऊपर में रखना है, तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूँ, मूव एसएमई टू ब्लू, एक ऊपर में मूव हो जाएगा, ठीक है ना? इस तरह से यार हम इसको मूव कर सकते हैं किसी पोजीशन पे, बिगिनिंग एंड अप डाउन। अगर आप कॉलम को मूव करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मूव आपके सामने दिख रहा है ना, ये आपका मूव हो जाएगा। कि अप करना है तो अपना है, इसे आगे हो जाएगा, लेफ्ट राइट मिड करना है तो लेफ्ट राइट मिड भी कर सकते हैं, ये आपका मूव हो गया। अब मूव के बाद हम बात करते हैं सॉर्टिंग की, का डेट किस तरह से सॉर्टिंग का इस्तेमाल करेंगे। चलिए और हम यहाँ पे मान लीजिए कि हमने यहाँ हम सेल्स पर्सन को यहां रखते हैं और हम रिपोर्ट प्रोडक्ट को यहां रखते हैं और हम अमाउंट का टोटल करते हैं, ये रिपोर्ट हमारा बना हुआ है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें जैसे कि दो पर्सन है, जैसे कि पूजा है और पुनीत है, दोनों एक ही टीम में है, तो मुझे इन दोनों का एक ही, मतलब कि इन दोनों जो है, दोनों का दोनों नॉट, ही इज नॉट सेल्समैन, ये हमारे वेंडर है, समझ गए? तो ये हमारे एक सेल्समैन है, मान लीजिए कि शुक्ला जी एक है, बीडी शुक्ला जी कोई है, वो उनके अंदर में दोनों काम करते, बीडी शुक्ला जी खुद सेल्स नहीं करते, उन्होंने सेल करने के लिए दो वॉलंटियर अपॉइंट कर रखे, तो मुझे इन दोनों का टोटल बीडी शुक्ला के ऊपर डालना है। तो राइट क्लिक करके यहां पे हम ग्रुप करेंगे तो यहां पे ग्रुप वन आ जाएगा और मैं यहां पे लिख देता हूं बीडी शुक्ला, ठीक है? और यहां पे देखिए पर्सन और सेल्स दोनों आ गए, तो हम यहां पे सेल्स पर्सन पहले वाले को यहां से रिमूव कर देते हैं, बीडी शुक्ला। इस तरह से एक या एक से ज्यादा को आप हाईलाइट कर सकते हैं, एक या एक से ज्यादा को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए सिटी को हम यहाँ रखते हैं, सिटी यहाँ रखते हैं, यहाँ पे दिल्ली है और इसमें बहुत सारे जगहों पे देखेंगे न्यू दिल्ली है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिटी है, तो हम कुछ सिटी को एक जगह करना चाहते हैं, जैसे कि ये सारे जो है उत्तर प्रदेश का, तो मुझे इसको सबको सेलेक्ट करके उत्तर प्रदेश करना, तो राइट क्लिक करके हम यहाँ पे ग्रुप करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं यूपी, और यहाँ पे सिटी टू को रहने दीजिए और सिटी को हटा दीजिए, तो यहाँ पे आपका यूपी आएगा, बाकी सब कुछ जगह डेटा आपका सेम रहेगा। इसको बोलते हैं टेक्स्ट फिल्टर, टेक्स्ट फिल्टर।
तो अब बात करते हैं नंबर फिल्टर की। अब जैसे हमारे बॉस ने बोला कि मुझे क्वांटिटी को लिमिटेड करना है, मतलब कि मिनिमम क्वांटिटी सेल रखनी है। वो देख रहा है कि हमारे सेल में कोई 36 से कोई 50 से 65 32 को भी ले रहा है, तो वो चाहते हैं कि हम देख तो रहे कि किस रेंज में कितना सेल आता है। मान लीजिए उन्होंने मिनिमम क्वांटिटी 20 कर दिया और उन्होंने देखा कि सब बिलो 20 ही सबसे ज्यादा ऑर्डर आते हैं, तो उनके बिलो 20 वाले ऑर्डर तो मिस हो जाएंगे सारे ना। तो पहले ये देखना चाहते हैं कि किस किस स्लैब से किस स्लैब के बीच में कितनी सेल्स आती है, ताकि वो डिसीजन ले सके कि हम बाउंड करें तो कितना बाउंड करें। तो हम यहां पिवट टेबल पे जाके ओके करते हैं और यहां में क्वांटिटी का जो क्वांटिटी है हमारा उसको रखते हैं रो में, और फिर इस क्वांटिटी का यहां रखते हैं सम। तो यहां पे 1 2 3 इसमें नंबर में, तो मैंने स्पेस सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया ग्रुप, और ग्रुप में देखिए मिनिमम और मैक्सिमम ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहां पे आप चेंज भी कर सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं, और यहां पे आप 100 भी कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बाय डिफॉल्ट 10 का आता है, जैसे 10% का लेता है, तो यहाँ पे उसकी परसेंटेज को कम या ज्यादा करना आपके हाथ में है, आप उसको कर सकते हैं। तो जैसे आप ओके कीजिएगा ये आपका आ गया, 10 से 19 के बीच में ये सेल आता है, 20 से बीच में सेल आता है, इस तरह से नंबर को ग्रुप कर लिया। अब नंबर ग्रुप हो सकता है तो डेट भी ग्रुप हो सकता है, तो मैंने डेट को रखा, तो बाय डिफॉल्ट इस तरह से ग्रुप में आता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पे ग्रुप नहीं आएगा, तो आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि ग्रुप मंथली ग्रुप है, मंथली कर सकते हैं ग्रुप, मंथली या ईयरली दोनों ग्रुप करना चाहते हो तो भी आप यहां इस पे ग्रुप करके जाइए, और मंथली ईयरली या क्वार्टरली जो सिलेक्ट करेंगे वो आपका ग्रुप हो जाएगा। और यहां से उठा के आप उसको ऊपर वगैरह फिल्टर वगैरह में या फिर कॉलम वगैरह में भी रख सकते हो कि आपको मंथली ईयरली रिपोर्ट चाहिए, मंथली क्वार्टरली ईयरली रिपोर्ट चाहिए, तो इस तरह से बना सकते हो। लेकिन मुझे चाहिए 15 दिन का सेल, तो उस समय तक पहले तो आपको अनग्रुप करना पड़ेगा सारा, और फिर इसके ऊपर आप जाइए ग्रुप में और डेज को सिलेक्ट कीजिए, मंथ हटा दीजिए। देखिए जब डेज ही रखेंगे तो हाईलाइट होगा, और यहाँ पे 15 दिन लेके ओके किया तो आपका विद इन 15 डेज का आपका सेल्स काउंट जो भी है वो आपको दिखेगा। ठीक है, ये आपका ग्रुपिंग है। तो आज की क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया सॉर्टिंग, फिल्टर, मूविंग एंड ग्रुपिंग। तो इस सब पे आप प्रैक्टिस कीजिए, और साथ में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम एक एक का कलर कर सकते हैं। और एक चीज और बता दूं सर, अगर आप डेटा एक छोड़ के एक कलर करना ही चाहते हैं तो कंडीशन फॉर्मेटिंग तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत अच्छा मेथड है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो डेटा को पकड़िए, डेटा को पकड़ के उसको टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए, और देखिए आपका एक कलर नहीं दूसरा कलर होगा, ये होता है आपका, ये आपका बाउंडेड रो देखिए। और इसमें मान लीजिए कि मैं इसको कलर कुछ और करता हूं, नहीं होगा इसकी फॉर्मेटिंग, हाँ इसको सिलेक्ट कीजिए और यहां से कलर चेंज कर सकते हैं, एक ही हुआ ना, पूरा होना चाहिए था। यहाँ यहाँ डिजाइन में जाके अपना कलर चूज कर सकते हो क्या होना चाहिए। लेकिन इस एक पूरे डेटा पे अप्लाई होता है, एक कलर होगा दूसरा कलर नहीं होगा, एक कलर होगा दूसरा कलर नहीं होगा, ये भी कर सकते प्रमाण सब नहीं है। ठीक है, एक क्वेरी थी, हाँ बोलिए। अपन जब वो लाइन देते हैं पाइवेट बनाने के बाद ऐड लाइंस कर देते हैं बीच में,
हेडलाइन उसमें अगर मैंने दो कॉलम्स में डेटा लिया हुआ है, एक और इसमें मान लीजिए, एक मैं रो में एक और ऐड कर देता हूँ, मान लीजिए जोन। हाँ ये तो बताया था कल क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसे मुझे एक ही लेवल पे ऐड करना है, जैसे क्वांटिटी लेवल एक पे लेवल पे करना है, दोनों लेवल पे नहीं करना। क्या दोनों लेवल पे नहीं करना होता? आप इसको क्लासिक कर दीजिए एक बार टेबल को। अब जैसे मुझे 10 टू 19 टोटल आ रहा है, इसके बाद एक रो इंसर्ट करना है। 10 टू 90 के बाद रो, ए ए ब्लैंक रो इंसर्ट करना है। हाँ ब्लैंक रो। तो वो डिजाइन में जाके हम कर सकते हैं? नहीं नहीं डिजाइन में जाके यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ। हाँ यहीं पे वही बोलो सर, नीचे आ जाएगा। हाँ। बट वो बेस्ट के नीचे भी ऐड कर देता है, एक नीचे। हाँ सबके नीचे ऐड करेगा। तो वो ऐसा नहीं है कि किसी एक के अंदर हम कर पाए? नहीं एक के नीचे करेगा तो फिर आपने पिवट को ओवरराइड कर दिया ना सर। ओके okay, क्योंकि नहीं जैसे 10 टू 19 हो, 20 टू 19 के नीचे आ जाए, बट वो जोन के नीचे आ जाए। नहीं ऐसा कि होगा तो ओवरराइड हो जाएगा ना सर, पिवट ओवरराइड। तो क्या डबल डबल वो डबल हो जाता है अगर सब सब वेडिंग में नहीं करना चाह रहे थे हम? ऐसा नहीं है सर। ओके ओके बाय गुड नाइट।